नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सबसे ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो एक या दो दिन के अंदर गरमाने वाला है यदि उसका निस्तारण नहीं हुआ तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी भाई भाईबंद है वो जुड़ सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें और इस विषय में अपनी राय दे सकें अपने राय विचार कमेंट के माध्यम से आप देते जाइए साथ साथ में दोस्तों बात करते हैं दो या तीन दिन पहले तारानगर के वर्तमान मान्य विधायक नरेंद्र जी बुढ़ाणिया साहब ने एक पोस्ट की फेसबुक के माध्यम से और एक वीडियो भी जारी किया दूधवा खारा का ये वीडियो है खारा पुलिस स्टेशन का जिसमें हेमराज मेघवाल की अन्य जो सहायक कर्मचारी हैं उनके साथ वो पिटाई करते नजर आ रहे हैं तो एक्शन में बात है क्या इस विषय को तुल दिया जा रहा है या ओरिजिनलिटी है इसी बात के लिए हम आज जुड़े हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय है वो कमेंट के माध्यम से देते जाएं और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को इस चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नई नोटिफिकेशन इस विषय में मैं आपको देता रहूं दोस्तों ये विषय आगे जाकर आंदोलन का रूप लेने वाला है ऐसी खबरें उड़ती उड़ती हमारे तक पहुंची है तो इसी विषय में हम इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हिमराज मेघवाल वर्तमान में कार्यरत हैं दूधआखारा पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है मान्य विधायक द्वारा कि जातिगत रूप देने की कोशिश की गई और उससे पुलिस कांस्टेबल की पिटाई की गई पिटाई का वीडियो भी मैं साथ में जोड़ रहा हूँ आप उसे देख सकते हैं पिटाई हो रही है पुष्टि कौन कर रहा है इस वीडियो की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की और ये विषय अभी तक कोई तूल नहीं पकड़ा लेकिन धमकी है वो वर्तमान सरकार को मान्य विधायक ने दी है कि हम आंदोलन करने वाले हैं तो आपके नज़रिए में आपके नज़रिए में बताइए कि क्या ये आंदोलन होगा क्या इस वीडियो के माध्यम से जिस व्यक्ति की जिस कांस्टेबल की पिटाई हो रही है उसको न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी या अन्य कोई तूल पकड़ाया जा रहा है तो साथ साथ में अपने कमेंट करते रहिए राय बताते जाएं जल्दी जल्दी करिए और शेयर करते जाइए लाइक करते जाइए और रियलिटी बताइए कि नरेंद्र बुडाने साहब ने जो वीडियो जारी किया और जो फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया वो सही है या गलत है साथ साथ में आप करते जाएँ तो अपनी अपनी राय है वो देते जाएं उसके हिसाब से हम मान्य विधायक से भी पूछेंगे कि इस विषय को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया दो दिन हो गए हैं तीसरा दिन अभी चल रहा है तीन दिन हो गए और इस बात को किस तरीके से लिया गया है इस जो वीडियो है इस कांस्टेबल की जो पिटाई हुई है उस विषय में कैसी बात सरकार के साथ आपकी हुई है तो दो दिन के बाद तक अभी तक मान्य विधायक का कोई पोस्ट नहीं आया है तो क्या इसे ठंडा मीठा कर दिया गया इस कार्य को इस काम को कि भाई मौजूदा सरकार बीजेपी की है और इसे दबा दिया गया हो या कोई और कारण है देखिए सच्चाई आमजन तक आनी चाहिए एक पोस्ट करने मात्र से एक वीडियो जारी करने मात्र से नहीं होता इस वीडियो को जारी करने के बाद में माननीय विधायक ने क्या कार्रवाई की या वर्तमान सरकार इसमें इन्वॉल्व है तो ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं तो इसी बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और कमेंट अपने करते जाइए और बताते जाएं कि मान्य विधायक इस पर अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आंदोलन की धमकी दी गई थी वो आंदोलन होगा कि नहीं होगा जो बुढ़ानिया साहब से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन वीडियो शेयर करें और बताएं कि ओरिजिनलिटी क्या है तो दोस्तों फिर से मिलेंगे आपकी कमेंट की जानकारी को इकट्ठा करके दोबारा हम हाज़िर हो जाएंगे लाइव के माध्यम से और पूरी जानकारी और इस विषय के तथ्यों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे इसी जानकारी पर चर्चा करने के लिए आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद राम राम